मैंने दिग्विजय चौटाला को बच्चा कहा ही नहीं, हुड्डा ने कहा। आजकल गलियारे में जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला के एक बयान की चर्चा हो रही है, जो उन्होंने एक अखबार में छपी एक खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए जारी किया था। दिग्विजय चौटाला ने छपी खबर में खुद को नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से बच्चा बताए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। बाद में उनके बड़े भाई दुष्यंत चौटाला ने भी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। मगर गलियारे में कहा जा रहा है कि जो शब्द नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहे ही नहीं, उन पर प्रतिक्रिया देने से पहले दोनों भाई चेक तो कर लें कि ये शब्द कहे भी हैं या नहीं। गलियारे में कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी। तब दैनिक सवेरा ने पूछा था कि जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि 2019 के चुनाव परिणाम बाद दिग्विजय चौटाला प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह और जेजेपी के एक अन्य नेता की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत हुई थी। अगर हुड्डा नहीं मानते तो वे रिकॉर्डिंग भी जारी कर देंगे। इस पर हुड्डा ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि अगर रिकॉर्डिंग हो तो जारी कर दें। उन्होंने दिग्विजय चौटाला को बच्चा नहीं कहा, मगर अगले दिन दिए एक अखबार में छपी खबर में हुड्डा ने दिग्विजय को बच्चा कहा है, मगर अन्य अखबारों में ये बात नहीं छपी क्योंकि हुड्डा ने ये बात कही नहीं कही थी। इस पर दिग्विजय चौटाला ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। गलियारे में यह भी चर्चा है कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऑफ द रिकॉर्ड यह बात कह दी हो। यह पता लगाने के लिए दैनिक सवेरा ने 16 अप्रैल को नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फोन करके पूछा कि क्या आपने ऑन या ऑफ द रिकॉर्ड दिग्विजय चौटाला को बच्चा कहा था। हुड्डा ने जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा कि पता नहीं अखबार ने शरारत की है। हुड्डा ने कहा, मैं अपने शब्दों को का इस्तेमाल नहीं करता, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। गलियारे में कहा जा रहा है कि जैसे राजनीति में परिपक्वता होनी चाहिए, उसी तरह मीडिया में होना जरूरी है। यह भी कहा जा रहा है कि अखबारों में नेताओं के छपे बयानों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पहले सच्चाई पता कर लेनी चाहिए।